अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? अल्लाह से दुआ सब अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। बोला ना आग बंद कर। देखो कैसा कर दिया बेटा, मेरे हाथ में प्लेट है, एक हाथ में मोबाइल है, इसलिए बच्चा देखो कैसा जाके बैठ गया। अरे हे दानिश, टाइम हुआ है 5:30 का, अभी हम कहीं चले हैं। बताती हूँ मैं, धर्मजी तुमको ये भी पकड़ना पड़ेगा ना। चलो हम चले, हम चले। पकड़ो ये, पकड़ो ये। ए पापा, ए पापा चला जाओ। हम रोज फजर की नमाज हो गई के नीचे आते हैं, उसकी एक वजह है, और साथ में इसको लेकर ही आते हैं ताकि इसको थोड़ा अच्छा लगे, है ना पापा? है ना? बहुत गर्मी हो गई है लेकिन नीचे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हवा है। तो अभी हम आए आए आए, अभी मैं कुछ और बताऊंगी। ए छनी रुका, मैं बताती हूँ, थोड़ा सा रुको। हम आए हैं इसके लिए, देखो दानिश डाल रही पानी, और ये रहा मिट्टी का बर्तन, और बोलो बाकी ये रहा खाना जिसमें चावल है बासमती के, वो भी क्योंकि मैंने वो दिन तुर्किश बनाई थी ना दानिश के बर्थडे के दिन, वो चावल थे, तो मैंने वो चावल और साथ में कल इफ्तारी के लिए आलू की भजी बनाई थी, वो भजी मैंने यहाँ डाली। और अभी दानिश जा रहे बाजार सामान लाने के लिए, क्योंकि यहाँ ना बाजार भरता है बहुत जल्दी। कितने बजे भरता है दानू? हाँ? कितने बजे बाजार भरता है यहाँ का? बाजार चालू हो गया अभी। चालू हो गया? 4 बजे से आदमी आते हैं। है ना, यहाँ एक अच्छा मस्त बाजार है, रुको जा यहाँ देखो तो। छोटा बच्चा आया है, छोटा बच्चा आया है। ये लो एलो, एलो। गरम गरम है बच्चा, ताजा एकदम। छोड़ना मेरा, अब बिग फ्राई केला। ये रोज पालने में आके बैठता है यहाँ पे, उसको बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना शांत, आवाज नहीं, कुछ नहीं, माशाल्लाह। दानिश के साथ पहली बार बैठा है। तो दानिश जाएंगे अभी बाजार सामान लेने के लिए, यहाँ 4 बजे बाजार भरता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा भरता है। बाकी तो फ्रूट वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है। अरे कहाँ चला? पकड़ मेरे को मार रहा है। तो दानिश से थोड़ा सा हमारा शूट करा के लेती हूँ, बाद में दानिश को भेज देते बाजार के लिए। चलो हम यहाँ मस्त जब आते नीचे तो थोड़ा टाइम यहाँ इंजॉय करते हैं इसके साथ में, ऐसे ही पालने में वगैरह, और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो अभी मैंने, तुम लोग सोचेंगे कि ये क्या मैंने बताया, पानी डाला, मिट्टी का बर्तन, ये वो। तो हम लोग ना ये मिट्टी का बर्तन और ये पानी डालना, खाना डालना 3 साल से कर रहे हम लोग ना, ये परिंदे इतने सारे होते हैं उनके लिए करते हैं। खास करके गर्मी के टाइम तो करना ही चाहिए, क्योंकि गर्मी के टाइम देखते हो मतलब उनको पानी मिलता है नहीं मिलता, खाना तो इंसान फिर भी एडजस्ट करता है। मैं तुम लोग को ये नहीं कहूँगी कि खाना पीना डालो, चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका जो जैसा भी मतलब आपका जिस हिसाब से घर है तो घर के बाहर रखो, टेरेस है तो बहुत अच्छी बात है टेरेस पर रखो, लेकिन कम से कम पानी ज़रूर रखो। तो इसमें तुम लोग को दुआ ही मिलने वाली है, इसके लिए मैं ना सच में दिल से चाहूँगी और रिक्वेस्ट करती हूँ कि पानी प्लीज़ रखो, कि पानी रखने में कुछ नहीं जाता है। अगर मिट्टी का बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है, मैं मिट्टी का बर्तन रखने की वजह, क्योंकि इतनी गर्मी में क्या होता है ना, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो मिट्टी के बर्तन में रखने से पानी ना ठंडा रह जाता है मतलब दिन भर उनको, इसके लिए मैं मिट्टी का बर्तन उनके लिए यूज़ करती हूँ।
तो प्लीज़ हो सके तो करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह भी तुमसे खुश ही होने वाला है इसमें, है ना दानू? बिल्कुल, बहुत सवाब है उसका। फिर बहुत अच्छी बात, बहुत सवाब। हाँ, वैसे बहुत से लोग हैं जो नफरत करते हैं परिंदों से, जानवरों से, हर किसी से। ऐसे लोग भी हैं, हमने खुद देखे है बाबा, सामना हुआ है हमारा ऐसे लोगों से। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि हो सके उतना प्यार करो जानवरों से हो या परिंदों से हो, प्लीज़, सच में। और अभी दानिश को हम भेजते हैं और हम यहाँ टाइम पास करेंगे और अभी आपको मिलेंगे, दानिश सामान लाएंगे उसके बाद। मैंने एक्चुअली जाने वाली थी ऊपर, लेकिन मुझे याद आया, दानिश को कहा कि थोड़ा सा ये भी करो, ये ना इसके ऊपर भी मस्त बैठता है, ये देखो, ये ऐसा ऐसा मैं थोड़ा थोड़ा हिला देती हूँ ना, तो मस्त रहता है है ना पापा? ए दानू के पास जा, दानू के पास दिखाऊँ उसको बराबर वीडियो में। स्लो स्लो पापा, देखो किस तरह से बैठता है पापा पापा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा बैठा है देखो ना आप लोग दिख रहा है ना बराबर? नहीं, स्लो स्लो स्लो, फास्ट ना, देखो कितनी आवाज नहीं, कुछ नहीं, उसको आदत हो गई है रोज की चल ए पापा धनु तो अभी हम नीचे से ऊपर आए हैं और दानिश को मैंने इतना सब नहीं बोला था, उतना लेकर आए हैं वो। हालांकि मुझे थोड़ी सी आइडिया आई थी कि उन्होंने आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, तो इसके लिए तो मैं बताती हूँ उन्होंने क्या क्या लाए हैं। पहले तो ये हो गए दो नारियल, अभी ये सब सामान मैं यहीं पे रखूँगी क्योंकि हमें सोना है। अगर मैंने सामान अभी यहाँ रखा नहीं और मैं सब लगा नहीं गई अपनी अपनी जगह पर, तो फिर मैं सो नहीं पाऊँगी क्योंकि ऐसे बहुत टाइम हो गया है। तो ये सब सामान हो गया जो मैं अभी यही पे रखूंगी। ये चार कलिंगर, पापा लोग इससे ऊपर मस्ती करने की हाँ ये हो गए कलिंगर, अलावा हो गया। ओके, तो बाबुले, हम इनको बाबुले बोलते हैं हाँ लाड़ में क्योंकि हमें ना बहुत पसंद है ना, इसके लिए दानिश ने इनका नाम रखा है हाँ बाबुले। बाबुले है ना, गोरे गोरे बच्चे जैसे और साथ में ये कोई कच्चे आम, ये ऐसे लंबे वाले आम किसको पसंद है, कच्चे कच्चे हाँ लंबे, तो ये खाने के लिए ना बहुत मजा आती है। क्यों पता है? के ज्यादा खट्टे नहीं लगते हैं, मिठास जैसी लगते हैं ना, बिल्कुल खट्टे मीठे लगते हैं, इसके लिए बहुत मजा आते थे, हम बहुत खाते हैं। अभी तो रोजे चल रहे थे उतने नहीं खाए जाएंगे, लेकिन इसके बाद बहुत खाए जाएंगे। तो ये हो गए आम, इसके अलावा ये हो गए कांदे, कितने 5 किलो, 5 किलो समझे ना मतलब, मैंने नहीं बोला था, नहीं बोलता तू, क्या बोलती है कभी भी। ये हो गए, और ये है ना, ये भी मैंने बिल्कुल नहीं बोला है क्योंकि ये ऑलरेडी इससे पहले भी लेकर आए हैं जो मैं बाद में बताऊंगी। कितने हैं ये? 4 ले ले, तो इनको मैं थैली में ही रखती हूँ, मैं बाद में रखूंगी ना ऊपर, तो बताऊंगी कि हम कैसे रखते हैं इनको। ये देखो ये देखो छोनी क्या चाहिए, छी छी कुछ भी ना खाने को उनको, छी। हम जाते सोने के लिए क्योंकि ऑलरेडी ना 6:30 बज चुके, तो अभी हम सोएंगे। मैंने सोचा था आज कुछ काम नहीं करूँगी, तो कहाँ है देखो कितना काम नहीं कर रहा है। तो चलो अभी बाद में जब उठूंगी ना सोकर उसके बाद मिलू। एक चीज रह गई, एक चीज सबसे अच्छी जो मेरे को बहुत पसंद है, ये क्या है, ये क्या है चार गोले, चार गोले, चार गोले कितने हैं ये? बहुत ज्यादा है, 4 डजन। इतने? वो थैली मिलती है पूरी, नहीं लेनी चाहिए, सस्ती मिलती है। तो चार गोले 4 डजन दो लोगों के लिए है? हाँ। क्या है क्या? आराम से, आराम है क्या, तुम लोग बताओ है क्या? चलो 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 आगे चलो, बढ़ाओ इसके लिए।
लेकिन ये ना मुझे ना ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब वो फ्रेश एकदम ना वहीं पे निकाल के ना खाओ, मुझे वैसे पसंद है, ऐसे पसंद नहीं। लेकिन ठीक है चला लेंगे, रोजे चल रहे तो चलो चलो चला लो। कितना अच्छा है ना। तो अभी मैं सोऊंगी, 6:30 बज चुके हैं, उठने के बाद मिलूंगी और उसके बाद ये सब काम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जो तुम लोग ने वीडियो देखी वो कल सुबह की वीडियो थी, फजर बाद की। उसके बाद मैंने कल कोई शूट नहीं किया, मैं आज शूट कर रही हूँ। और आज है जुम्मा, जुम्मा मुबारक सबको। खूब सारी दुआ कीजिए क्योंकि ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, उस हिसाब से खूब सारी दुआ कीजिए। और दानिश अभी आकर सो गए क्योंकि पिछले जुम्मा की जैसा दानिश गए थे ना 11:30 मस्जिद में नमाज के लिए जाग गए, वैसे ही इस बार भी 11:30 ही मस्जिद पहुँच गए हो। और माशाल्लाह से मस्जिद में ही इस जुम्मा भी हो गया है। तो अभी वो सो रहे हैं, सो क्या वैसे अभी तो आवाज़ भी है उन्होंने, मतलब जाग रहे हैं। बच्चे भी सब सो रहे हैं, मेरी भी नमाज वगैरह सब हो गई है। टाइम हुआ है 3:15 का, मैंने सोचा चलो छोटा सा एक वीडियो करती हूँ। अभी इफ्तारी के लिए देखते हैं क्या बनाते हैं। हमने लगाए यहाँ पे वाइट प्याज, यहाँ हमारा मतलब ये जो बाथरूम के ऊपर जो स्टोरेज रहता है ना पानी की टंकी वगैरह, ये वहाँ जगह है। ये हमारे काफ़ी सारे बर्तन है, यहाँ हमारा इन्वर्टर है, यहाँ बहुत कुछ और भी सामान है, पूरा भरा पड़ा है। वहाँ पे ये हमने डंडा लगा के स्पेशल लिया है कि यहाँ ठंडक की वजह से ना अच्छा रहता है। नानी इसको क्या बोलते हैं, ये कांदे को क्या बोलते हैं? प्याज का झेला, झेला दानिश ने बोला है, मेरे को नहीं पता, इसको झेला बोलते। और अभी मैंने जस्ट दानिश का बर्थडे का पार्ट 2 पब्लिश किया है। अभी इफ्तारी हो चुकी है, इफ्तार बाद वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसे कि बोला आज का अलविदा जुम्मा था। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अलविदा जुमा था, बहुत सारे तस्बीह किए, बहुत दुआ मांगी सबके लिए, सबके अच्छे के लिए, सबको बीमारी से तकलीफों से बचाने के लिए अल्लाह पाक को बोला है। देखते हैं अल्लाह पाक अभी मेरा कितना सुनते हैं, ऐसा तो हमेशा सुनते हैं अल्लाह पाक, इंशाल्लाह हमेशा सुनते हैं। और सबको अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे, सब दुआएँ मांगी है। और अल्लाह पाक घर सबके घर भरे रखे, माशाल्लाह रखे। अभी उसके बाद में ऐसा हो गया कि मैं सो के उठा 5 बजे, असर पड़ी मुझे, असर पड़ने के बाद मेरे को याद आया कि मुझे कहीं जाना है कायमे ज्यारत में। तो ज्यारत थे कब्रस्तान में विदार के, तो वहाँ पे मैं कब्रस्तान में गया, ज्यारत का जो भी था सब कुछ काम पटाया और फिर आ गया मैं घर पे। तो आगे का इफ्तारी भी दानिश वहीं पे करके आए, हम लोग ने इफ्तारी का भी रखा था। मैंने वीडियो इसलिए भी ज़्यादा नहीं बनाया दिन में क्योंकि आज मुझे रोज़ा लग चुका था। उसकी वजह है कि मुझे नींद नहीं हो रही ना बहुत दिनों से, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो सहरी को उठे, सब किया, सब बनाया भी, दानिश ने खाया भी, लेकिन मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर क्या खाऊँ ना, मैंने कुछ खाया ना पिया। फिर मैंने क्या किया, तो आखिर में एक फिर नारियल पानी मैंने पी लिया और उसी के ऊपर रोज़ा रख दिया। अभी इतने से इसके ऊपर रोज़ा रखूँगी तो रोज़ा तो लगना ही था। इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा बनाया, मतलब ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं क्योंकि दानिश भी थे नहीं इफ्तारी के लिए, तो कुछ किया नहीं, इसके लिए मैंने कुछ भी बताया नहीं है। तो ऐसा हो गया। और मैं पूछना चाहती हूँ, अलविदा है माहे रमजान, अलविदा रुखसत हुआ माहे रमजान अलविदा। तो ये सुनकर किस किस का दिल भर के आता है? हमारा तो बहुत भर के आता है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे भी। हाँ, मुझे भी लगता है कि सबका मतलब दिल भर के आता होगा कि कितने मतलब ऐसा इमोशन है ना उसके अंदर एकदम से इंसान। तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना सुन के, बहुत मतलब दिल भर के आता है। तो ऐसा सब आज का दिन हमारा था, इतना कुछ खास नहीं, मैंने वीडियो भी इतना कुछ खास नहीं बनाया, लेकिन जो भी बनाया ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुआ कीजिएगा सबके लिए। आमीन।